पेपर वर्क में हमारा नाम नहीं डालते, हम अभी अभी आए हैं जी, हम अभी अभी आए हैं, हमारा नाम डालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। कोई एमपी है, किसी ने दी हुई गिरफ्तारी दी हुई तो फिर नाम हमारा डाले ना, हमारे नंबर मार रहे हैं कि मामले गिरफ्तारी दी है, ठीक है, इनको प्रॉब्लम पड़ गई है, ये जो पुराने साथी हैं आप लोग, कि ये जी ये तो नंबर लाएगा बाद में आकर, इसलिए हमारा नाम नहीं डाला। लोधरा जेल से पता कर लें कि वहाँ शुजात नवाज एमपी मौजूद है या नहीं है, जिसने कल गोजना वाला में गिरफ्तारी दी थी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आपके पेपर वर्क सबको साथ लेकर चले, ये नहीं कि जो पुराने हैं वो अपना नाम डाल लें तो दूसरे का नाम जो जो नए आए उनका नाम ही ना डाला जाए, उनको पीछे रखा जाए, कहीं इनके पॉइंट ना बन जाए, ठीक है। हमने ये सारे तरीके जमाए हुए हैं, लेकिन हम इमरान खान जिंदाबाद, हम चौधरी परवेज भाई के साथ शामिल हुए हैं, हम इमरान खान के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। बाकी ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना ये वर्कर, ये आगे पीछे इन्हें मुताहत रहना चाहिए, ये पार्टी इस तरह मजबूत नहीं होती, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इमरान खान जिंदाबाद। देखिए एक तरीकाकार होता है गिरफ्तारी का भी, जो बंदा पकड़ा जाता है उस बंदे का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एक लिस्ट जारी हुई है कुछ 70-72 बंदों की, वो सारे ऐसे ही पकड़े गए हैं, ये कोई पार्टी इशू नहीं कर रही, ये जो पकड़ रहे हैं, जो इदारे पकड़ रहे हैं वो लिस्टें बनाते हैं कि किस किस को हमने गिरफ्तार किया है। अगर वो लिस्ट है, अगर आपके पास कोई है उसमें नाम है, तो मैंने सिर्फ वो आपसे मांगे, मैंने ये नहीं बोला कि गए हैं कि नहीं, क्या पता गए हो, लेकिन हमें तो सबूत चाहिए ना जी साहब, ये तो पीटीआई है, इसमें तो सबूत भी मांगते हैं हम, सवाल भी करते हैं, ये तो पार्टी ऐसी है ना, क्या करें, पढ़ी लिखी पार्टी है, तो यकीन भी हमें पढ़ी लिखी चीज़ों पे होता है, ऐसे नहीं होता कि हवा में कुछ भी कोई बोल दे तो उस पर यकीन कर लें, नहीं ऐसे नहीं होता जनाब, माजरत के साथ ऐसे नहीं होता। हमारा नाम नहीं लिखा जाता जी, हमें ना बताएं, हमारा नाम नहीं लिखा जाता, जिस तरह आप कह रहे हैं, वहां हमारा नाम लिखा भी होता कार्ड देना है उन्होंने, ठीक है, अगर आपने तस्दीक करानी है तो जाए, मुझे कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं आपके आगे, ठीक है, लेकिन इमरान खान जिंदाबाद, लेकिन जो वर्कर हैं ये जो काम खराब करते हैं, जो साथ चल रहा है उसको बैक करने की कोशिश करते हैं, हम खुद एक पार्टी में रहे हैं, ठीक है, हमें हर काम आता है, जो नया आता है उसको आगे नहीं आने देते, ठीक है, जो आपका वर्क होगा, हमने कल गिरफ्तारी दी, CIA स्टाफ रहे, 4 बंदे और भी हैं PTI के साथ हूं, और इस वक्त लोधरा जेल में है, ठीक है, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं, हमें नंबर बनाने की जरूरत नहीं आपके आगे, लेकिन सिर्फ क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं कि वो नहीं इस तरह नहीं, पेपर वर्क हमें पता है, जिस तरह पेपर वर्क होते हैं, इसलिए मैं आपकी बात पर बिलीव नहीं करता, आप मुझे मुतमिन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट बिलीव यू, ओके, थैंक यू। आपको फिर बात ही समझ नहीं आ रही, ये लिस्टें पीटीआई ने नहीं बनाई जनाब, ये DC जो है गुजरा वाले उन्होंने जिनको गिरफ्तार किया ये उन्होंने लिस्ट बनाई है। अब उनको तो नहीं पता ना कि आप नए आए हैं या पुराने हैं, कोई भी वर्कर जिस तरह खादम साहब है टांडा से उनको गिरफ्तार किया, पीटीआई को क्या पता कि ये हमारे वर्कर है या नहीं है, वो तो एक चले गए हैं जनाब, तो जाके उन्होंने पूछा जी आप कहाँ से आए, शनाख्ती कार्ड लिया, सारा लिया है उनके खिलाफ, वो जो पूरा उन्होंने वो बनाया है, क्या कहते हैं उसको, कि किस मामले में इनको पकड़ा है, उनका लिस्ट में नाम है, वो उन्होंने लिस्ट जारी की है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो अगर कोई ऑफिशियल लिस्ट है, अगर उन्होंने पकड़ा है तो वो लिस्ट जारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो बंदा रख ले और लिस्ट जारी ना करे, मैं तो आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, बाकी पीटीआई का इसमें क्या ताल्लुक है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपका नाम क्यों कोई काटेगा का?